हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस का आज हम लोग सेट 1 करने वाले हैं, जिसमें जो है प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन डेली कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय जो नृत्य है वो असम राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। सत्रिया नृत्य की जो शुरुआत है वो श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक प्रमुख रूप में सत्रह नामक मठ से हुई थी। सलिया को वर्ष जो है जो सत्रिया है उसको जो है 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरुष जो द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया नृत्य की शैली पौरुषिक भंगी यानी कि पुरुष शैली और स्त्री भंगी यानी कि महिला शैली है। असम के जो है लोक नृत्य कौन कौन है? तो असम का लोक नृत्य है बिहू, बगुरम्बा, देवधनी और भोता नृत्य जो है असम का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है कथन सही है? इसमें जो है कथन वन में दिया था, कथन वन है शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। कथन टू दिया है भरत नाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसी में हुआ है। तो जो ऑप्शन में है केवल सेकंड सत्य है, ऑप्शन बी में है कथन वन और कथन टू दोनों सत्य है, ऑप्शन सी में है न तो कथन पहला सही है न ही कथन दूसरा सही है, केवल कथन पहला सही है। इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, केवल जो है पहला कथन सही है। जो है शास्त्रीय जो नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया जो है नाट्य शास्त्र उससे हुआ। तो जो पहला कथन है सही है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है उड़ीसी राज्य में हुई है, ये जो है कथन गलत है। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई है वो तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु में। तो जो दूसरा कथन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु में हुई है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मूलभूत पहलू हैं, तांडव यानी कि गति और लय, दूसरा लास्य यानी कि अनुग्रह भाव और रस। और तीन मुख्य घटक यानी कि नाट्य है नृत्य का नाटकीय तत्व है, नृत्य अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियाँ, और तीसरा जो है नृत्य अभिव्यंजक घटक यानी कि मुद्रा या इशारे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो है भरतनाट्यम पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो लगाया गया था 1910 ईस्वी को। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 1910 ईस्वी को जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, इसकी जो उत्पत्ति है नाट्य शास्त्र से हुई है। जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच एक पर जो है एक प्राचीन ग्रंथ है। विशेषताएं इसका क्या है? इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल हैं, अलारिपु, फिंजाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, जिसमें नृत्य दोनों शामिल होते हैं उसको कहा जाता है, और पद्म और तिल्लाना जो है ये भरतनाट्यम में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का इसमें कौन सा लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनगिरी गाजा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आइए सभी ऑप्शन को जानते हैं।
राज और उनके लोक नृत्य। महाराष्ट्र का कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र का लावणी, पोवाड़ा नृत्य और कोली, वाद्या मुरली जो है वो महाराष्ट्र का है। गुजरात का, गुजरात के डांडिया रास, टिपनी, भवी, गरबा डांस जो है वो गुजरात राज्य का है। राजस्थान का घूमर, भवी, कलबेलिया, तेरह ताली जो है वो राजस्थान राज्य का है। पंजाब का, पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, लुड्डी और जुली जो है वो पंजाब राज्य का है। इसमें जो है जितने भी ऑप्शन थे मैंने इससे सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न है, सत्रिया के एकांकी नाट्य को क्या कहा जाता है? तो सत्रिया का जो है कांटी एकांकी जो है नाट्य है उसको कहा जाता है अंकिया नाट। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर जाएगा, अंकिया नाट। यह जो है सत्रिया का एक रूप है, सलिया का जो है एक रूप है, जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा जो है ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भुआना के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। और सत्रिया नृत्य की जो शुरुआत थी वो 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष जो है शंकर देव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। तो भारत के जो है अधिकांश से जो शास्त्रीय नृत्यों की जो उत्पत्ति हुई है वो नाट्य शास्त्र से हुई है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर जगह, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के बारे में जो है जानते हैं, नाट्य शास्त्र जो है यानी कि नृत्य कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ है ये। और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा संकलित है यानी कि लिखा गया है। इस ग्रंथ में जो है प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल जो है 6000 काव्य छंदों के साथ जो है 36 जो है अध्याय है, एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है, भुटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भुटिया जो नृत्य है वो किया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। अन्य नृत्य सिक्किम का कौन कौन सा है? तो अन्य नृत्य सिक्किम का सिंधी छम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गले यांग नृत्य और संगे छम नृत्य और फू चाट जो है सिक्किम का नृत्य। पश्चिम बंगाल का पुरुगलिया छऊ और ब्राउल और गंभीरा। उड़ीसा राज्य का गाटी पुगा नृत्य और ठप और पाइका जो है उड़ीसा का नृत्य है। अगला है नागालैंड का है मोट से अगुरसी, कुकुला, अलुयाटू, सदल केकई और चंगई नृत्य जो है नागालैंड का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा की किस नृत्य को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोवा के जो है घोड़े मोदनी नृत्य है उसको कहा जाता है योद्धा नृत्य। ऑप्शन में जो है भी सही उत्तर होगा। और ये जो नृत्य है घोड़े मोदनी, यह जो है अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद के लिए याद में जो है किया जाने वाला एक नृत्य है घोड़े मोदनी। गोवा के अन्य कौन कौन से नृत्य है? गोवा के अन्य नृत्य है तारंग मेल, देखनी, फुगली, सिग्मो फेस्टिवल जो है सिग्मो, समीर नृत्य, रंगमाले, गोंफ और टोनिया मेल जो है वो गोवा का नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुर जो है नृत्य है वो राधा और कृष्ण की जो है कहानियां पर जो है आधारित है। राधा और कृष्ण की कहानियां पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के जो है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो है उत्तर भारत का, ओडिसी उड़ीसा का और कथकली जो है केरल राज्य का है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और सत्रिया जो है असम का। ये जो है 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई।
तो जो शास्त्रीय को जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के जो है मान्यता दिया गया था वो दिया गया था 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 2000 ईस्वी को इसको संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्य का मान्यता या दर्जा दिया गया था। और यह जो नृत्य है यह नृत्य शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्यंत्रों में खोल, मंजीरा और बांसुरी शामिल है। गीत जो है शंकर देव के बोर गीत हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो है 10 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला सेट में भी 10 प्रश्न किया जाएगा। जय हिंद।